जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने कहा है कि अब बिहार के अंदर 1,22,000 पदों पर नई वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बिहार पुलिस में बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल में जेल वार्डन के पद, स्टेनो रेडियो ऑपरेटर, और उसी में से एक वैकेंसी है बिहार पुलिस दरोगा की भर्ती। प्यारे साथी, अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त जो नौकरी मानी जाती है बिहार पुलिस की, जो कि सब इंस्पेक्टर के पदों पर है और दरोगा के पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। इससे रिलेटेड सारी की सारी बातें हम बताने वाले हैं, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे इसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे साथी, आप सभी को बता दें, अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार पुलिस SI की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे भाई, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी PDF हैं, वो कुछ भी नहीं मिल पाएगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग टेलीग्राम पर फ्री PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, पाँच मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। प्यारे साथी, यहाँ पर अगर बात करें तो बिहार पुलिस के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2000 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। बहुत बड़ा पद है, आप लोग सोच सकते हैं कि 2000। मेरे भाई, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने घोषणा कर दी है कि दरोगा के पदों पर भी वैकेंसी आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूज़पेपर के माध्यम से अब तक जो बताया गया है वो बोला गया है कि 2000 आएगी, लेकिन आप मानिएगा ये बात सच होने वाली है, लगभग 3500+ पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि ये जो बहाली होगी अपने आप में बड़े पैमाने पर होगी। अगले साल बिहार के अंदर चुनाव हैं और चुनाव से पहले बिहार सरकार को नौकरी देना अपने आप में एक टास्क बना लिया है और चुनौती भी है, क्योंकि पिछले रिजल्टों ने उनको अचंभित भी कर दिया है। प्यारे साथी, अगर बात करें तो लगभग 3500 यहाँ पर, यानी कि आपका 3500 से अधिक यहाँ पर सीटें आपको देखने को मिलने वाली है। इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो जनरल, OBC, EWS और अदर कैटेगरी के लिए ₹700 आपको फीस भरनी होती है। SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को यहाँ पर 400 रुपये की फीस भरनी होती है जब आवेदन करेंगे। आवेदन कब करेंगे वो भी बताते हैं। प्यारे साथी, यहाँ पर बात करें जो एज लिमिट है इसकी, 20 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक इसकी एज लिमिट है। और यहाँ पर अगर बात करें, OBC को 3 साल, SC ST को यहां पर 5 साल का आरक्षण, यानी कि एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। प्यारे साथी, यहां पर उम्र सीमा फिर यहां भी दी गई है। इसके बाद अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है, प्यारे साथी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BCOM कर रखा है, BSc कर रखी है, BA कर रखा है, कहने का मतलब आपने ग्रेजुएशन है, आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप लोगों का एक प्रश्न बनेगा, सर ये बताइए कि ये भर्ती आएगी तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, किन किन प्रोसेस से मुझको निकलना पड़ेगा। अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पर प्री पेपर होगा, मेंस पेपर होगा, फिजिकल होगा, एंड आफ्टर देन आपका मेडिकल की परीक्षा होगी। तो कुल मिलाकर मुख्यतः 4 स्टेज से आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेज और है जो अपने आप में बेहतरीन स्टेज है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप लोग सोच रहे होंगे, सर इसको लिखने की क्या आवश्यकता है। मेरे भाई, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाता है, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के ऊपर। यहाँ पर अगर बात करें, आपका जो प्री का पेपर होगा, प्री की जो परीक्षा होगी, उसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो क्या है, इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, कहने का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मेरे भाई, जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 0.2 मार्क्स की होगी। 0.2 मार्क्स कोई ज़्यादा है
नहीं, थोड़ा बहुत तुक्का आपका चल भी सकता है। इसमें जो मेन है वो आपका जीके और जीएस। हाँ जी, इसमें जीके और जीएस के क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। साइंस के क्वेश्चन भी 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और आपका छोटे छोटे परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, और सरलीकरण के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के भी लगभग 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं, कभी कभी तो 15 तक गाड़ी पहुँच जाती है। प्यारे साथी, अगर बात करें इसका जो मेंस का पेपर होगा वो कैसा होगा, अगर आप लोग पहली परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तो पहली परीक्षा के बाद मेंस का होगा, और मेंस के पेपर में 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। तो मेरे भाई इतना क्लियर कर दें, क्योंकि मेंस की परीक्षा है, अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है बच्चों के लिए, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पिछले स्तर पर देखी गई वही नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिलेगी, और इसमें एक पेपर होता है जनरल हिंदी का, ये पेपर सेकंड के अंदर ही होता है, और ये जो सेकंड पेपर होता है जनरल हिंदी का, इसमें ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कहने का मतलब आपको अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप लोग अपनी मातृभाषा का ज्ञान ही नहीं है तो आप चयनित होकर करेंगे भी क्या, तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई जनरल हिंदी आपकी क्वालिफाइंग रखी गई है। पेपर सेकंड में 100 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स के हैं, और 2 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है। इसमें भी जीके, जीएस, मैथ, इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि सब कुछ जीके में ही पूछ लिया जाएगा, यानी कि यहाँ मैथ्स का भी अपने आप में एक वेटेज रहने वाला है। जब मैथ्स पूछा जाएगा और जीएस पूछी जाएगी तो जनरल साइंस और मैथ के क्वेश्चन भी अपने आप में जीके को कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे होंगे। मेरे भाई अपने आप में जीके में जितने प्रश्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, वहीं जीएस से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ बनती है तो मेरे भाई वो करंट अफेयर बनती है, क्योंकि करंट अफेयर नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल से भी पूछी इसमें जाती है। इसके बाद अगर बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए हाइट जो है वो जनरल ओबीसी, ईबीसी या हाँ ईबीसी के लिए 1.65 सेंटीमीटर, फीमेल कैटेगरी के लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, चेस्ट ये आपके सामने है 81 से 86 जनरल ओबीसी ईबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, रनिंग 1600 मीटर 8.5 मिनट में ये मेल के लिए है, 1 किलोमीटर 6 मिनट में फीमेल के लिए है, हाई जंप 4 मीटर 3 फिट 4 फीट मेल के लिए, 3 फिट फीमेल के लिए, लॉन्ग जंप 12 फिट मेल 9 फिट फीमेल, गोला फेंक 16 पॉइंट यानी कि 16 फीट आपका मेल के लिए, 12 फीट आपकी फीमेल के लिए। प्यारे साथी, आपने ये सारी की सारी चीज़ें देख ली होंगी जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, सर आपका जो मेन प्रश्न था वो आपने बताया ही नहीं, ये वैकेंसी कब आएगी। प्यारे साथी, अगर बात करें सरकार ने आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को निकालना चाहिए, क्योंकि 2025 में आपकी विधानसभा के चुनाव हैं, क्योंकि टक्कर देने के लिए कोई मतलब टक्कर में भी एक बड़ा खिलाड़ी ही है तेजस्वी यादव, और इधर से भी सरकार से भी बहुत टक्कर होने वाली है। तो इस वर्ष विधानसभा के चुनाव आपको देखने को मिलेंगे 2025 में, तो कहने का मतलब है ये वैकेंसी आपको तय है देखने को मिलने वाली है। अब कब मिलेगी वो भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर बात करें बिहार पुलिस कांस्टेबल की, उसकी भर्ती परीक्षा हो चुकी है, उसकी कट ऑफ जारी होगी, उसका फिजिकल होगा, तो आपको ये वैकेंसी दिसंबर के महीने, दिसंबर और जनवरी के महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। आप मान लीजिए मिल ही जाएगी मेरे भाई, जैसा न्यूज़पेपर्स की कटिंग बता रही हैं उस हिसाब से, तो इसका मिलना लगभग तय लग रहा है।
तो मेरे भाई आपको आज से ही लगना है, क्योंकि आपका जीके और जीएस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। आप आज से ही तैयारी करेंगे, तो तब तक जब सबके फॉर्म निकलेंगे, जब फॉर्म निकलेंगे तब तो लोग तैयारी करेंगे, आप आज से ही तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है आप 3-4 महीने का जो गैप अभी से बना लेंगे वो आपको और ऊंचाइयां देगा। प्यारे साथी, दिसंबर और जनवरी के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। हो सकता है 1-2 महीने और ऊपर जाए, लेकिन ऐसा लगना लग नहीं रहा है, ठीक है। तो जल्द ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, पदों की संख्या भी इसमें बढ़ने वाली है। इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जल्द ही आपके कमेंट का आंसर विद इन 5 मिनट आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। कोई प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन, रेडियो ऑपरेटर, स्टेनो, सारे के सारे पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।